हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। आइए दिखाते हैं क्या सामग्री है। दोस्तों, सामग्री इस प्रकार है। हमने आधा किलो आलू लिए हैं, ये कढ़ी पत्ता है, ये अदरक है, ये हरा धनिया है, मिर्च, ये हरी मिर्च है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये ब्रेड है, ये बेसन है, ये हमने सब्जी मसाला लिए हैं, ये हल्दी पाउडर, ये पंचफोरन, ये भुना जीरा, ये नमक, ये लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, हमने आलू बॉईल कर लिए हैं, इसका छिलका उतार लिए। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने। हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें तेल डालेंगे, 3 चम्मच बड़ा चम्मच तेल लिए हम। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच पंचफोरन डालेंगे। अब ये हम हरी मिर्च अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे। अब सामग्री लाल हो गया, अब हम इसमें आलू डालेंगे। अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पांच मिनट तक। दोस्तों, हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए, 5 मिनट इसको हम पका लिए। अब हरा धनिया हम डालेंगे बारीक कटा हुआ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बेसन करते हैं। अभी हम बेसन घोलने चल रहे हैं। दोस्तों, हमने बेसन का घोल बना लिए है। हम इसमें 1 चम्मच नमक डाले हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम ब्रेड को काटेंगे। अभी हम ऐसे कर लिए हैं। अब हम भर लिए अच्छे से, ऐसे ही हम बाकी के भर लेंगे। अब हम बेसन में डुबा के इसको फ्राई करेंगे। हमने तेल रख दिए गरम होने के लिए। तेल गरम है, अब हम इसे डालेंगे। दोस्तों, अब हम दूसरा भी डालेंगे इसमें।
ऐसे ही हम बाकी के फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों पकौड़ा पक के तैयार है, अब हम इसको निकालते हैं। बहुत ही चटपटा पकौड़ा बना है। दोस्तों ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है, बहुत ही चटपटा है। दोस्तों अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।